रोहित शेट्टी जो अभी फिल्म मैंने देख के निकला अभी है अपनी सिम्बा सिम्बा, तो मैं भी रोहित शेट्टी से सीख रहा हूँ। आप लगा दो किसी भी खान की पिक्चर एक महीने पहले, फिर मैं देखता हूँ बॉक्स ऑफिस पे क्या होता है। आई हैव साइंड अप ए फिल्म विद YRF विच वी आर, बट देयर इज नो फ्रेंचाइज एज सच, वी आर प्लानिंग अ फ्रेश न्यू सब्जेक्ट। हाय आई एम इंद्र कुमार एंड यू आर वॉचिंग बॉलीवुड हंगामा। सर प्रोमो लॉन्च में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि राइटिंग को लेके, और मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके का आपने जवाब आपने दिया। आई थिंक मेरी नज़र में एक मतलब एक जो डायरेक्टर जो बहुत ही कामयाब है मेरी नज़र में, वो ये है कि दैट वो सबको साथ में लेके चले और क्रेडिट शेयर करने में उसको कोई दिक्कत नहीं हो। जिस तरीके से आपने राइटर्स का आपने जिक्र किया जी, और आपने उनको फिर स्टेज पर भी आपने बुलाया, आपने उनको इज्जत दी, आई पर्सनली मतलब वॉज वेरी मतलब मुझे बहुत टच किया उस चीज़ ने। अगर सर राइटिंग की बात करें, बिकॉज जैसे जैसे और भी डायलॉग प्रोमोज भी आते जा रहे हैं, काफ़ी आई थिंक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, चाहे वो स्क्रीन प्ले हो चाहे वो डायलॉग्स। जी मतलब आपकी फिल्म की नींव ही राइटिंग है, उस पर आप अपनी बिल्डिंग खड़ी कर रहे हो, तो जब आपकी नींव ही गड़बड़ है तो बिल्डिंग कहाँ से खड़ी होगी, जहाँ बनाने जाओगे फिर गिर जाएगी, बना भी दिया तो अल्टीमेटली तो गिरेगी ही गिरेगी। और मैं अभी मैंने नोट किया, पहले शायद मैंने नोट नहीं किया था, रोहित शेट्टी जो अभी फिल्म मैंने देख के निकला अभी है अपनी सिम्बा 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 के एंड में उसने अ फिल्म बाई रोहित शेट्टी एंड टीम, जी तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा उसकी ये बात। बहुत कम लोग हैं, तो मैं भी रोहित शेट्टी से सीख रहा हूँ। क्या होता है, हमको लगता है हम ही सब कुछ करते हैं, हमारी टीम है भाई, सब दिन रात मेहनत करते हैं। हर मैं तो बोलता हूँ एक लाइटमैन है, एक कैमरा ट्रॉली जो चला रहा है, सारे लोगों की मेहनत से ये पूरी चीज़ तैयार होती है। मैं समझता हूँ ये ऐसा मीडियम है जहाँ पे पूरा टीम वर्क है, अकेला डायरेक्टर बना ले पिक्चर बिल्कुल, हाँ जा, मैं तो किसी को भी चैलेंज करता हूँ, जाओ आप बना लो अपने आप, राइट। तो इट्स अ टीम वर्क, डेफिनेटली इट्स अ टीम वर्क, राइट। इफ यू कुड से समथिंग अबाउट द राइटर्स परितोष एंड दी राइटर परितोष वेद प्रकाश जो है वो मेरा असिस्टेंट था जिसको मैंने ब्रेक दिया ये फिल्म में जी, एज अ राइटर एज अ राइटर, और साथ में उनके हैं बंटी राठौड़ जिन्होंने डायलॉग लिखे और स्क्रीन प्ले में और राइटिंग में सपोर्ट किया परितोष पेंटर ने, तो ये तीनों ने मिलके, और फिर मैं भी साथ में बैठता था उनके, कि ये मुझे खुद को राइटिंग प्रोसेस में बड़ा मज़ा आता है। मुझे लगता है फिल्म मेकिंग का बेस्ट प्रोसेस इज राइटिंग, वेयर द थिंग इज टेकिंग शेप इन फ्रंट ऑफ यू, ऐसा खाली ऐसा मट्टी पड़ी होती है, आप उसको शेप देते रहते हो। शूटिंग करना तो सिर्फ लिपअप होती है बिल्कुल शेप तो वहाँ क्रिएट हो चुका है, मूर्ति तो बन चुकी है, अब आप बाकी एक्टर आता है, आंखें बनती है, फिर कलर लगता है, बैकग्राउंड होता है, तो ये जो सारी चीज़ें बाद में आती हैं, बट कोर तो राइटिंग ही है। सर आपकी एक और फ्रेंचाइज आपके लिए मस्ती की है, जैसे उन्होंने जिक्र किया, ग्रैंड मस्ती बहुत कामयाब रही एंड लेकिन ग्रेट ग्रैंड मस्ती का काफ़ी क्रिटिसिज्म भी रहा, पिक्चर चली भी नहीं। नहीं तो आप वो थोड़ा मिस इन्फॉर्मेशन है जी, पिक्चर एक महीने पहले लीक हो गई थी जी, और सब इतने उत्सुक थे वो पिक्चर देखने के लिए कि सब ने अपने फ़ोन पे पीसी पे वो पिक्चर देख दी देख डाली। सो अगर आप स्टेटिस्टिक्स निकालेंगे तो मोस्ट व्यूड पिक्चर में ग्रेट ग्रैंड मस्ती आपको देखने मिलेगी, वो थिएटर में कोई गया ही नहीं, बिकॉज सब ने वो पिक्चर को सबको देखनी थी। जब प्रोमो रिलीज हुआ तो मतलब एक धमाका हुआ था, लेकिन उसके दो दिन बाद, जैसे अभी हमने 26 को मे बी रिलीज किया होगा, तो 28 को तो पूरी प्रिंट आ गई थी, तो 4 वीक थे रिलीज को, और फिर वो धीरे धीरे वो बात फैलती गई और सब ने धड़ाधड़ फिल्म देख ली। अब आपने अगर 4-4 बार फ़ोन पे पिक्चर देख ली है, अपने कंप्यूटर पे देख लिए, मेरे पार्टनर का मुझे फ़ोन आया, आनंद पंडित करके जो हमारे उस फिल्म में भी पार्टनर थे, उन्होंने मुझे बोला कि यार इंदु मैं अमेरिका में हूँ और मेरे पास इसका
स्ट्रीमिंग है ऐसा, मतलब जैसे आप बटन दबाओ तो जैसे कैसा आप ये देख सकते हो वेब सीरीज जी, तो वो स्ट्रीमिंग 500 चैनल पे, शिट, तो आपने बटन दबाया पिक्चर शुरू हो गई, फर्स्ट क्लास कॉपी विद टाइटल एवरीथिंग। सो उन्होंने बोला मैं तो नहीं देख रहा हूँ लेकिन मेरा बेटा देख रहा है, मैं उसको रोक नहीं पाया बिकॉज वो भी इतना उत्सुक था पिक्चर देखने के लिए। तो अब वो बच्चा है 16-17 साल का, आई कॉन्ट स्टॉप हिम, ही इज सीइंग द पिक्चर, बट वो स्पीकर उसने कान पे लगाए हुए हैं हेडफोन्स, एंड मैं उसको देख रहा हूँ आधे घंटे से, 4 times ही फेल ऑफ हिज चेयर लाफिंग। सो जिस बात क्रिटिसिज्म तो कुछ करने का कोई सवाल ही नहीं आता जब आपकी पिक्चर आज आप लगा दो किसी भी खान की पिक्चर 1 महीने पहले, फिर मैं देखता हूँ बॉक्स ऑफिस पे क्या होता है। किसी भी पिक्चर लगा दो, खान हो, कुमार हो, जो भी हो, जितने भी हैं, 1 महीने पहले अगर आप रिलीज कर दोगे लीक आउट हो जाएगी, लीक आउट हो जाएगी। तो आप इसमें आप आगे भी इस फ्रेंचाइज को आप आगे लेके जाएंगे? अभी मेरा मूड नहीं, मैं पुट ऑफ हो गया बिकॉज मेरा 2 साल की मेरी मेहनत ऐसे पानी में चली गई, तो मैं थोड़ा अभी फिलहाल पुट ऑफ हूँ, कल भरोसा नहीं है, वापस जाग जाऊँ ऐसा। वन लास्ट क्वेश्चन, आई बिलीव देयर आर रिपोर्ट्स दैट यू बीन ऑफर्ड अ फ्रेंचाइज बाय वायरफ, इज इट ट्रू? विच फ्रेंचाइज? सम कॉमेडी फ्रेंचाइजी दैट यू बीन ऑफर्ड बाय वायरफ? नो, आई हैव साइंड अप अ फिल्म विद वायरफ व्हिच वी आर, बट देयर इज नो फ्रेंचाइज एज सच, वी आर प्लानिंग अ फ्रेश न्यू सब्जेक्ट। ओके, बट यू आर डूइंग अ फिल्म फॉर वायरफ? या, श्योर। ओके, एंड इट्स लाइक अ कॉमेडी और इट्स लाइक समथिंग एल्स? There are 2-3 subjects we are working on. They're just basic ideas right now. Okay. And maybe now we have to select ye, ye, ya, ye. Dark cast in mind? No. Abhi pehle subject final ho, then we'll go on to the cast. But you're doing a film for while. Yeah. Alright. Great. Thank you so much, sir. Thank you very much. Okay. Nice. Thank you. That's all we have from Bollywood Hungama. Keep on watching. Hi. I'm Indra Kumar and you are watching Bollywood Hungama.